कोरोना की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों की मीटिंग ली। आपको बता दें कि पीएम नौवीं बार मीटिंग कर रहे हैं। पिछली बार 23 सितंबर 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की थी। बता दें कि मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। कई राज्यों में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में यह मीटिंग अहम है। मीटिंग में दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में स्थिति कंट्रोल करने को लेकर फोकस रहा। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 91.77 लाख के पार पहुंच चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मीटिंग में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर के पीक में 10 नवंबर को 8,600 केस आए थे, लेकिन उसके बाद से संक्रमण के मामलों और पॉजिटिविटी रेट में लगातार कमी आ रही है। तीसरी लहर में पराली जलाने से फैले प्रदूषण जैसी वजहों से भी स्थिति गंभीर हुई। देश में 5 वैक्सीन डेवलपमेंट के एडवांस स्टेज में है, इनमें से 4 फेज 2 या फेज 3 में है। आज की मीटिंग में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटजी पर भी चर्चा की जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री को बताया कि वे सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला से लगातार कांटेक्ट में हैं। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन कर समय पर हो सके इसके लिए टास्क फोर्स भी बनाई गई है। केजरीवाल ने पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री से दखल देने की मांग की है। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने तक केंद्र सरकार के अस्पतालों में 1,000 अतिरिक्त आईसी बेड रिजर्व रखने की अपील भी की है। पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise।